रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब 2 महीने होने वाले हैं। इस बीच अब जैसी खबरें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि नाटो के सामने रूस नहीं बल्कि रूस के सामने अमेरिका झुकने के लिए तैयार हो गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन नाटो और अमेरिका से काफी उम्मीदें लगाए बैठा था। अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा था कि हम युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ हर हालात में खड़े रहेंगे, लेकिन वक्त आने पर जिस तरह सुपर पावर अपनी बात से पलटा, ये तो पूरी दुनिया ने ही देखा। ऐसे कई मौके आए जब यूक्रेन ने अमेरिका के सामने मदद की गुहार लगाई और अमेरिका पीछे हट गया। इसी वजह से यूक्रेन के साथ साथ कई और देशों का विश्वास अमेरिका के ऊपर से उठ गया। कई देशों ने तो अमेरिका को डबल स्टैंडर्ड वाला देश तक कह दिया। इसी बीच अब ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि सुपर पावर अमेरिका अब रूस पर नरम होने को तैयार है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, लेकिन इस खबर का व्हाइट हाउस ने खंडन किया है। वहीं एक और खबर सामने आई कि अमेरिका रूस के ऊपर लगाए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए तैयार है। अब ज़ेलेंस्की से मुलाकात की खबर के खंडन के साथ ही एक बड़ा सवाल अमेरिका पर खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। यहाँ पर सिर्फ ये सवाल ही खड़ा नहीं होता, बल्कि अमेरिका के दोहरे चरित्र की पोल एक बार फिर खुल जाती है। एक तरफ यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कर यूक्रेन से मिलने की बात का खंडन, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सामने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कर अब अमेरिका उन्हीं प्रतिबंधों में ढील देने की बात कर रहा है। दरअसल इसी हफ्ते वॉशिंगटन में एक बड़ी आर्थिक बैठक होने वाली है। इससे पहले अमेरिका के उप ट्रेजरी सचिव वैली एडमो का एक बयान सामने आया है। इस बयान में अमेरिका की तरफ से कहा गया कि रूस पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिबंधों को वापस लिया जा सकता है अगर मॉस्को अपना व्यवहार बदलता है। इससे पहले भी प्रतिबंध लगाने के बाद युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीदी की थी। एक रूसी अधिकारी ने अमेरिका का ये पोल खोला था और कहा था कि अमेरिका ने रूस से हर रोज करीब 43% अधिक कच्चा तेल यानी करीब 1,00,000 बैरल तेल रोज खरीदा है, और अब रूस एक बार फिर प्रतिबंधों की ढील देने की बात कर रहा है। अमेरिका के इन कदमों से तो सोमवार को दिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान 100% सच होता दिख रहा है, जिसमें पुतिन ने कहा था कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध नाकाम साबित हुए हैं, यानी पश्चिमी देशों की आर्थिक हमले की रणनीति विफल हो गई है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति से ना मिलना और दूसरी तरफ रूस पर प्रतिबंधों में ढील। अब ऐसी खबरों से तो इसका अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस नहीं बल्कि अमेरिका रूस के सामने झुकने के लिए तैयार है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।